पूरा कर्नाटक रियासत में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का और टाउन म्यूनसिपल के और पट्टन पंचायत के जो अर्बन एरिया के लेबर है उनके हुकूक के लिए उनका फैसिलिटी के लिए इंडेफिनिट स्ट्राइक का ऐलान किया गया है। उसके सदारत जो एक्स सफाई कर्मचारी का एक्स सफाई कर्मचारी सी नारायण स्वामी जी कर रहे हैं और गुलबर्गा बीदर इधर हैदराबाद कर्नाटक के तरफ से एक्स मिनिस्टर एस के कांता साहब लीड कर रहे हैं। उनके डायरेक्शन के ऊपर गुलबर्गा में जितने भी लेबर है और इंडेफिनिट स्ट्राइक में आज हिस्सा लिए। हमारा मांगे ये है कि टाइम से सैलरी हो और जितने भी काम कर रहे उनको परमानेंट हो और जो पीएफ के इसमें गड़बड़ी हो रहा वो सीधा करने के लिए और जो परमानेंट लेबर की जो फैसिलिटी है और उसका हॉलीडे हो या लीव हो वो उनके बराबर ही देने के लिए हमारा मांगे हैं। और पूरे कर्नाटक में ये इंडेफिनिट स्ट्राइक चल रहे हैं, डायरेक्ट पे में है हम और परमानेंट करने के लिए हमारा ये चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट का जो नाइंसाफी है 4.5 साल हो गए इसको परमानेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबोलिशन एक्ट लाए लेकिन उसको अमल में लाने के लिए कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैयार नहीं, ना मुख्यमंत्री तैयार है, ना इस अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का मिनिस्ट्री तैयार है। और इधर और एक बाजू जो आउटसोर्सिंग का जो गुत्तेदार है वो लोग भी बहुत लूप्स है, इनको टाइम से पगार नहीं दे रहे, छुट्टी नहीं दे रहे और वांटेडली उनको हरेसमेंट कर रहे। ये सब इशू लेके हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं। और गुलबर्गा में डायरेक्ट पेमेंट तो 4.5 साल पहले हो गया और उसमें एसके कांता साहब का बहुत बड़ा रोल है और आज हमारे साथ नहीं है महरूम मानपड़े मारुति मानपड़े, उनके बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ इनके लेबर के इशू में जो कुछ भी जेल हो गए उसका नतीजा आज कर्नाटक पूरे डायरेक्ट पेमेंट लेने का हकदार हो गए। और आज हमारा डिमांड यही है सरकार से, ये जो पीएफ नहीं भर रहे उसके ऊपर एक्शन होना और हमारे लोगों को जो लेबर को टाइम से फैसिलिटी नहीं दे रहे उसके ऊपर एक्शन होना और पेमेंट एवरी मंथ 5th को होना बोलकर रूल रहते हुए भी नहीं हो रहा। और ये लोकल डिमांड भी है कि अलग अलग इशू लेके हम काम कर रहे और उसके लिए अलग पूरे ड्राइवर्स एसोसिएशन है, गार्डन में काम करने वाले और गार्डनर्स है, पूरे सफाई कर्मचारी के जितने भी हैं वो पूरे आज एक दिन हड़ताल पे है, काम भी बंद है। जब तक गवर्नमेंट हमारे बात नहीं मानते ये काम बंद रहेगा। हम इधर गुलबर्ग में सर 30 साल से काम कर रहे, सब अब शाहबाद हुआ, आलंद हुआ, इधर चितापुर हुआ, शेडम हुआ, सब तरह परमिट हुआ सर, गुलबर्गा में ऐसा नहीं हुआ। हम 30 साल से कर रहे मगर ये लोग गवर्नमेंट परमिट नहीं कर रहे, परमिट ले रहे सर नहीं सर हमारे को। अब कितने साल से कर रहे हैं सही भी तनख्वाह भी नहीं मिलते लोगों को, 4 महीना 5 महीना 6 महीना ऐसा से पगार देते सर। और गवर्नमेंट के क्या सहूलियत है, लोगों को कपड़ा देना, उसको पेड़ सर देना, औरत को साड़ी देना, ये नहीं सोचते औरत को मर्द को एक ही तरफ कपड़े दे सकते हैं ये लोग, सब लोग नहीं पहन सकते सर ऐसा। ये लोग गवर्नमेंट लोग है ना, कमिश्नर कोई कमिश्नर आता है पगार सही नहीं देते, कोई भी आते जाते पेमेंट सही नहीं देते, 4 महीना 5 महीना अब कितने लोग घर में सर मरे, अब 50-60 लोग मरे सर, उनको उनका घर में लेना नहीं लेना सर, ये लोग किसी को भी नहीं लिए। अब इतने दिन पासों में हम काम करके घर में बैठे तो क्या खाना क्या पीना, उसको गोली क्या दवा क्या, इसका क्या। तो ये लोगों को गवर्नमेंट में कुर्सी पे आते बैठते, हम जाते पूछते कहीं को नहीं ले रहे सर, नहीं हम लेते कब लेते ये लोग पूरा घर में आधा आधा घर में लोग बैठे सर 30 साल से कितने काम करेंगे, उतने हालत लेके घर में बैठे लोग, उनका घर में बच्चे को नहीं ले रहे वो लोग, उसके घर में लड़का को नहीं ले रहे, कि उसको भी लगा रहे तो नहीं ले रहे लोग, फिर वो लोग कितना दिन काम करके घर में बैठना क्या खाना क्या, हम क्या करें सर। 500 में काम करके खाली 200 लेके गए 300 लेके गए, हमारा क्या हालत, मगर आइए कुछ तो होएंगे हमारे को। जब
जब काम करना बोले तो अभी का सोच के नहीं करे सर, आगे का सोच के हम काम करते रहे 3 साल से, आगे हमारे को क्या तो होएंगे, क्या तो होएंगे बोल बोल के कितने जन मरे लोग, उनको घर में उनका घर में सब परसों मरे, एक औरत मरे, उसका बच्चा को लो बोले तो तुम थम ले क्या हो, नहीं तो पैसा दो आधा पैसा दो बोले तो आधा पैसा उनको दिया तो हम क्या लेके देना घर को, ऐसा गवर्नमेंट हो क्या बैठे सर, ऊपर बैठने वाले गवर्नमेंट की नहीं सोचना, सब तरफ परमिट करे आलंद क्या छोटा गाँव है सर, आलंद छोटा गाँव, चितापुर छोटा गाँव, सेड़म कितने है, सबसे बड़ा गुलबर्गा में रह के इतना जन को परमिट कहीं को नहीं ले रहे लोग, डिमांड क्या है, हाँ हमारा डिमांड सब परमिट लेना, ये लोग हम मर रहे आधा जन मरे उसमें परमिट लिया तो आगे को हम गए तो गए, आगे लोग को तो अच्छा होता है ना परमिट लिया तो, कहीं को नहीं ले रहे ये लोग, लेना ना सर लेना, ये लोग लेना नहीं लिया तो कैसा, ऐसा तड़प तड़के खाली हम 200-100 में घर को गए, एक महीना ये लोगों को संडा सा मोटा है, तुम्हारा एरिया में काम करके मिंचगुरी में काम करे लोग, रोजा में काम करे लोग, उतने गलीज काम करके अब घर में कैसा बैठना, मर के गए तो घर में वालों को खाना नहीं, गोली लेना बोले तो 10 रुपए नहीं, अब हम घर में बैठे तो क्या सर होना ना, क्या तो 10 रुपए होना ना, अब इतना दिन काम करके क्या फायदा हुआ, परमिट तो हुआ तो क्या तो 10 रुपए 5,000 मिले तो हमारा गोली दवा का होते ना, हमारा क्या डिमांड सर, आप परमिट करना है ये लोग उत्ते सर हमारा मांगने, महापुरुषर ಒಂದು ಚಳವಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಗರಸಭೆ ಪುರಸಭೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಏನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನೇರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಾಜಿ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಕೆ ಕಾಂತ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಬಹುಜನ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತಿಂಬಳಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.